उदयपुर में चाकूबाजी घटना के बाद माहौल बिगड़ गया है। कई कारों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। शहर में कई जगह हिंसक घटनाओं की तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने मॉल और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं तो उदयपुर में छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो गया। जगह जगह पर गाड़ियां फूंक दी गई, मॉल और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई, धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिलाधिकारी अरविंद ने भी, उन्होंने कहा कि भाई जो हिंसक घटनाएं हो रही है उस पर अफवाह ना फैलाएं। अब इसी को लेकर इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है। एक दो बच्चों के बीच में चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद एक बच्चे को जान पे चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। खून बहने की वजह से बच्चे को इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया और अभी हमारे जो चिकित्सकों की टीम है उसे देख रही है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे की स्थिति भी स्टेबल है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए। हमारे बेस्ट डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी हो जाएगा। तो अपन किसी भी प्रकार की अफवाह का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अगर कोई अफवाह फैलाए तो प्रशासन से उसको वेरीफाई करे कि ये खबर सही है गलत है। क्योंकि मुझे बताया गया कि तरह तरह की खबरें जो है शहर में कुछ लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो फैला रहे हैं। तो आप हमसे वेरीफाई करें, पुलिस से वेरीफाई करें। अभी कानून व्यवस्था के हिसाब से भी पूरी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। उदयपुर में आज दो छात्रों के बीच में विवाद हुआ। एक छात्र ने जब साथी छात्र पर चाकू से हमला किया तो उससे ज़्यादा रक्तस्राव हुआ और उस हमारे छात्र की तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर जो अच्छे स्तर के डॉक्टर हैं सभी ढंग से इलाज कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे की जान बचे। उसके बाद उस उदयपुर शहर में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। मेरी सभी से अपील है कि राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश है, आप सब लोग शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पर स्वयं नज़र बनाए हुए हैं, मेरी जिला प्रशासन से लगातार बात हो रही है। हमारी प्राथमिकता है उस बच्चे की जान बचे और शांति कायम हो। अपराधी जो भी होंगे उनके खिलाफ सख्त। एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में राजस्थान के मुख्यमंत्री की पत्नी गीता शर्मा और परिवार ने हाजिरी लगाई। इसी के साथ उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद मंदिर कमेटी ने सीएम की पत्नी को दुपट्टा और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। बता दें कि बाबा श्याम के दो दिवसीय मेले का भी आज से आगाज हुआ है। इस मौके पर दिल्ली मुंबई समेत कई राज्यों से श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज हरिद्वार में है, जहां आठवें दिन भी उन्होंने विश्व शांति के लिए महापूजा की। सावन महीने में धार्मिक कार्यक्रमों का विशेष महत्व होने के चलते बालाजी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज शिव महापूजन हरिद्वार गंगा घाट पर कर रही हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालुओं के विशेष लाभ एवं विश्व शांति मानव कल्याण के लिए ये पूजा की जा रही है। महंत की ओर से दशकों से महापार्थिवेश्वर शिव महापूजन करते आ रहे हैं। विद्वान पंडितों ने विधि विधान से गंगा घाट पर मिट्टी के बने 12,000 शिवलिंग से पार्थेश्वर की पूजा की जा रही है। पूजा अर्चना के बाद मिट्टी के बने शिवलिंग को गंगा में विसर्जन कराया जाता है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी प्रतिदिन जनसेवा शिविर के माध्यम से भंडारे की प्रसादी वस्त्र वितरण कर रहे हैं। भगवान पार्थेश्वर के दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। इस दौरान आचार्य राजेश्वर प्रसिद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त भारतीय धर्म संसद पूर्व मंत्री ममता भूपेश और उनके पति आईएएस डॉक्टर घनश्याम बैरवा, विहिप के संगठन मंत्री उमाशंकर शर्मा भी पहुंचे। अब चलिए जयपुर से बड़ी खबर है। आरयूएचएस जयपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि गणतंत्र दिवस लिख दिया गया, तो ट्रस्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र में लापरवाही देखने को मिली है। किसी अधिकारी कर्मचारी ने नहीं दिया इस ओर ध्यान। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने भी 15 अगस्त
गणतंत्र दिवस पर मोहर लगा दी और इस तरह गैर जिम्मेदार प्रशासन ने फाट दिया उत्कृष्ट कार्य करने का प्रमाण पत्र। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर फलौदी जिले के सैतराबा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सीएचसी सैतराबा का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएचसी में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर मुनेश मीणा की पत्नी अपने पति के तबादले की गुहार लगाने मंत्री के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके पति और सास ससुर काफी बीमार रहते हैं, जिससे घर के हालात ठीक नहीं है, इसलिए उसके पति का तबादला गांव में ही करने की गुहार लगाई है। वहीं मंत्री ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक देखने को मिला। रेहड़ी कस्बे में 4.5 साल की मासूम श्वान ने नोचकर चेहरे और अन्य हिस्सों में काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे परिजन गंभीर अवस्था में अस्पताल लेकर आ गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं शाम होते होते देखते देखते 3 बच्चों सहित एक महिला को श्वान ने काट कर घायल कर दिया। सभी को रेडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित सरस संकुल मुख्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक और प्रबंध संचालन डॉक्टर सुषमा अरोड़ा ने ध्वजारोहण किया। सामूहिक राष्ट्रगान के बाद सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों में परंपरागत मिठाई के रूप में लड्डू वितरित किए गए। डॉक्टर सुषमा अरोड़ा ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर उन्होंने डेयरी कर्मचारियों की ओर से डिग्गी कल्याण जी पदयात्रियों के लिए छाछ लस्सी वितरण की गाड़ियों को रवाना किया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में जोहड़ में डूबने से 2 मासूम भाइयों की मौत के मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ने संज्ञान लिया है। आयोग ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम से 1 हफ्ते में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू ने आयोग को पत्र लिखा था। डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू का कहना है कि नगर पालिका टिब्बी द्वारा जोहड़ में गड्ढे खोदने से हादसा हुआ था और नगर पालिका की ओर से किसी प्रकार का ना तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया और ना ही घटना स्थल की तारबंदी की गई। के अंदर जो दर्दनाक घटना घटी थी, जिसके अंदर 2 सगे भाई जो पानी का जोहर था उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई थी, उस दर्दनाक घटना को देखकर मैंने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह मांग की थी कि जो जोहड़ था जिसमें डूबने से बच्चों की मृत्यु हुई थी, ना तो उसमें किसी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं थी, ना ही कोई चेतावनी। और चलिए टोंक के उनियारा से खबर आपको बता देते हैं। उखलाना रोड पर जलभराव का मामला सामने आया। सच में धड़क की खबर का दमदार असर हुआ। प्रशासन ने पानी निकासी के लिए बुलडोजर चलवाया है। लोगों ने सच में धड़क का आभार प्रकट किया है। प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग ने जयपुर में दुर्गापुरा स्थित गोपी स्वीट पर छापेमारी की, जहां भारी अनियमितताएं मिली। गंदगी और जन स्वास्थ्य के प्रतिकूल परिस्थितियों में मिठाइयां पैकिंग कर बेची जा रही थी। पीपों पर मेल की परत जमी हुई मिली। बदबू और गंदगी के कारण दुकान में खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सैंपल लिया और दुकान मालिक को नोटिस जारी किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पाली में सुमेरपुर के साड़ेराव पहुंचे, जहां तखतगढ़ नगर मंडल और देवासी समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राठौर के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद पीपी चौधरी, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत, प्रदेश उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा समेत भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मनोज नामा, पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत, महामंत्री दिनेश कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राठौर का
स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवाराम चौधरी, समाज सेवी छगनलाल घांची, ललित सिंह भी मौजूद रहे। तो समर्थकों ने देखिए जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत इस दरमियान मौजूद रहे। मस्कुलोस्केलेटर सोसाइटी कॉन्फ्रेंस के 12वें संस्करण की शुक्रवार को शुरुआत की गई है। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है। स्पोर्ट्स इंजरी, ज्वाइंट पेन, नर्व पेन जैसी मस्कुलोस्केलेटर समस्याओं के निदान के लिए बिना सर्जरी एडवांस टेक्नोलॉजी व विकल्पों पर प्रकाश डालने और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। यह अपनी तरह का देश का सबसे बड़ा सम्मेलन है जिसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य 21 देशों के 750 से अधिक मस्कुलोस्केलेटर इंटरवेंशन विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। 12वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस है मस्कुलोस्केलेटल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, जो कि हर साल डिफरेंट सिटी में अलग अलग जगह कर रही है। इस साल हम जयपुर में कर रहे हैं और हमारे लगभग 750 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर लगभग 21 देशों के पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके साथ में हमारे पास 28 इंटरनेशनल फैकल्टीज़ है जो कि अपना एक्सपीरियंस। और पाली की सोजत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पांचुंडा गांव में नदी पार करते समय कार बही है। ग्रामीणों और प्रशासन ने कार सवार लोगों को बचाया है। कार में सवार थे एक ही परिवार के 5 लोग। लेकिन देखिए सभी को बचा लिया गया है। कार में सवार थे एक ही परिवार के 5 लोग, इनको पुलिस ने और ग्रामीणों ने मिलकर बचा लिया है। पाली की सोजत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नदी पार करते समय एक कार नदी में बह गई। ग्रामीण और प्रशासन ने कार सवार लोगों को बचाया और इस कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, लेकिन फिलहाल सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उनकी जान बचा ली गई। आमेर के पर्यटक स्थलों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 13 साल बाद मोरी लगा आमेर का सागर। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। सागर की मोरी लगने से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। 13 साल बाद सागर की मोरी लगने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। जयपुर के तालाब, झील, सागर, मावठा सरोवर और बावड़ियों में आया है बारिश का पानी। आमेर के सागर, मावठा सरोवर के भरने से आमेर का भी जलस्तर बढ़ेगा।